हेलो आशमा। हेलो, नमस्ते आंटी। रिचि कैसी है? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? हाँ, तुम तो जानती ही हो, उस हादसे के बाद गुमसुम बैठे रहती है, जैसे खुश रहना भूल ही गई हो। आंटी, मैं आ रही हूँ अभी। घर से बाहर जाएगी तो अच्छा लगेगा उसे। ठीक है बेटा, तुमसे ही तो ठीक से बात करती है। हाँ बेटा आओ, रिची अपने रूम में है। हाय हाय की बच्ची, कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? सॉरी यार, मैं छोड़, चल कहीं घूमने चलते हैं। नहीं यार, नहीं जा पाऊंगी, तू तो जानती है ना। यार उस बात को 1 साल हो गए, कब तक उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहेगी? मैं भूल नहीं पा रही उस एक्सीडेंट को। 2 कदम दूर ही खड़ी थी मैं, मेरे आंखों के सामने उस लड़की की जान चली गई। तू जब तक अपना ध्यान बाकी चीजों में नहीं लगाएगी, बाहर नहीं जाएगी, नहीं भूल पाएगी। कोशिश तो कर यार। नहीं यार आसमा, फोर्स मत कर। मैं बाहर रोड देखती हूँ, गाड़ियाँ देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि फिर से एक्सीडेंट हो जाएगा। इट्स ऑल इन योर माइंड, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। चल अपना स्कूटर निकल, दोनों ड्राइव पे चलते हैं पहले की तरह। रिचि, रिचि, रिचि। हाँ क्या हुआ? फिर से उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रही है? चल अब घर चलते हैं। आसमा, आसमा बोले दीना नहीं आएंगे। उठना आसमा। रिचि, 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 इट्स ऑल इन योर माइंड। रिचि, हाँ क्या हुआ? फिर से उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रही है? चल अब घर चलते हैं।